आप में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, देख रहे थे, लगातार आए जा रहा था कि आखिर नैन्सी दीदी क्यों नहीं आई, हमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग के 3 बज रहे और मेरा बेटा उठ के तैयार हो गया और लैपटॉप लेके बैठा है, इतना काम करता है। देखिए मेरा बेटा, बहुत इंतजार किए कि क्रियान सो जाएगा, लेकिन जब नहीं सोया, 2 घंटा 1 घंटा जब लगभग बीत चुका है, उसके बाद हम उठ के आ गए अपना काम करने के लिए। क्रियान भी आराम से बाहर आ गया है और जब बाहर आया तो हमारा काम भी बंद हो चुका है, ये काम कर रहा है अपना लैपटॉप पे। क्रियान, ये चाह रहा है कि लैपटॉप खुल जाए ताकि कीबोर्ड को जो है अपना छेड़छाड़ करे। इसका इतना खौफ है कि हमने अपना लैपटॉप बंद कर दिया है। क्या है, आज पूरी रात नहीं सोने दिया हमको, चारों बगल भागता रहा है खाली। प्रियांश पापा, ब्रश, अब प्रियांश ब्रश करेगा। ब्रश करोगे भैया, सुबह हो गया। खरगोश है, बटर वाला खरगोश है। ब्रेड ले आए, बटर ले आए, क्या खाएगा, कुछ खाना है क्या? खाली हिला रहा है तब से उसको। अरे ठीक हो गया बेटा, लाल जो है नहीं। 5 बजे सोए, 6 बजे सोए, तो जब तक हमारे उठने का समय होगा तब ये सो जाएगा। अब जो रात में बाबा याद करता, बाबा सोए। क्रियांश सर्कस चल रहा है, तुमको एक स्टेज मिला हुआ है, वहाँ करतब दिखा रहा हूँ। तालियां। अभी बज रहे हैं जी रात के 4:30 बजने में 10 मिनट है और हमारा बेटा जो है अभी तक सोने का नाम नहीं ले रहा है और उसको एक कार्ड दे दिया गया है ताकि उस पर लगा रहे, ताकि रोए नहीं। ये देख सकते हैं कार एकदम पलटा रहा है, कभी उसको घुमा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। The next day. आज बाहर में बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी तो जबरदस्त है और इस गर्मी में ही पूरा स्किन का प्रॉब्लम होता है। हाँ। अच्छा खासा स्किन केयर अपना करना पड़ता है, जरूरी भी है, नहीं तो आपका स्किन पूरा खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप क्या लगा रहे हैं? क्योर स्किन का सनस्क्रीन है, वो अभी लगा रहे हैं। वाह, तो बहुत अच्छा, लगाने के बाद एक अच्छा सा ग्लो भी आ गया आपके फेस पे। उसी जी गर्मी के मौसम में जो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम स्किन का आते ही रहता है, हमारा स्किन जो है नेचुरली ऑयली हो जाता है। हमको भी प्रॉब्लम आ गया था, पिंपल्स हो गया था जी, एक्ने हो गया था, लेकिन शुक्र है जी क्योर स्किन का, जहां पर हम जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, जिसकी वजह से जो है हमारा वह प्रॉब्लम ठीक हो गया। जल्दी हम लोग बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, सोचते हैं कि जितना कम जितना बिल्कुल अच्छा जितना काम हो उसी लिए जाए, किसी भी एडिशनल काम के लिए वहाँ पे नहीं जाए, इस गर्मी से बचने के लिए जी। और क्योर स्किन का तो बहुत ही अच्छा है, घर बैठे आप सारा कुछ पूछ सकते हो उनसे, जो भी प्रॉब्लम है आपको सब कुछ का सुझाव, चाहे हेयर से रिलेटेड हो चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड हो, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है जानती है? सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वो लोग अपना किट तो देते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका प्रॉब्लम है, आपका फोटो मांगते हैं, उसका स्कैनिंग करते हैं, फिर प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होता है वह किट देते हैं। और किट देने के अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करते हैं वह भी सजेस्ट करते हैं, चाहे आपका डाइट प्लान हो, चाहे आपका जो डेली हैबिट हो, कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है, तो ये सबसे अच्छी बात लगती है। यहाँ तक कि पानी कितना पीना है आपको वो भी सोचिए, पानी जैसा छोटा चीज है जो लोग इग्नोर कर देते हैं आलस के कारण, कि अभी थोड़ा बिजी है, थोड़ी देर बाद पियेंगे, वो प्रॉपर आपको बताते हैं। मंथली फॉलो अप होता है और अगर आपको बीच में मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए जिस समय आप ट्रीटमेंट ले रहे थे उसमें प्रॉब्लम था आपको एक्ने का, फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, इचिंग का हो गया, कोई भी चीज का, तो आप जो है वहां पर वो भी प्रॉब्लम अपना बता सकते हैं। एक वहां पर चैट का ऑप्शन है, चैट के ऑप्शन में जाइए, अपना नाम नंबर और अपना क्या कहते हैं सब कुछ रजिस्टर कीजिए, उसके बाद फोटो भेजिए और सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा और कोई भी फी नहीं लगेगा। यहाँ पर फॉलोअप कंसल्टेशन का कोई भी फी नहीं होता है, तो सबसे अच्छी बात यही लगती है इस ऐप की कि सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं वह, कि सिर्फ अपना दिया प्रोडक्ट और उसके बाद जो बात खत्म, नहीं, यहाँ पर आपको उनका प्रोडक्ट का कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं, आपके ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, तो आपको मंथली रिपोर्ट जनरेट होता है, वॉइस नोट डॉक्टर खुद से भेजते हैं यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अभी ये कुछ ज्यादा बिजी थे, जैसे कि क्रियांश का बर्थडे हो गया, बैक टू बैक कोई ना कोई फंक्शन आते जा रहा था, बिल्कुल, तो इन्होंने अपना फोटो भेजना भूल गए। जैसे कि हम लोग हर मंथ फॉलोअप लेते हैं डॉक्टर हमसे, हम लोग बिल्कुल रेगुलर हम लोग भेजते हैं अपना, तो ये भूल गए, तो आज हमें कॉल आ गया, हमें लगा भाई साहब जबरदस्त है यहाँ पर,
तो मतलब यह है कि यहाँ पर आप गए तो आपको लगभग 100% गारंटीड रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जो सिस्टम है ना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐप में होता है कि AI जनरेटेड होता है चैट, तो वहाँ पर अपना खाली सब कुछ भरते रहिए, AI आपको जवाब देते रहेगा और अपना किट भेजे, बात खत्म वहीं से। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। और जी, इनका जो यह किट है देख सकते हैं जी, बिल्कुल ट्रेवल फ्रेंडली किट है, हमारे जरूरत का जो भी सामान है इसमें आ जाता है और इसको हम जो है हमेशा साथ में कैरी लेके चलते हैं। इजी टू कैरी, बिल्कुल एक बार आपको जो किट आता है लगभग 2-3 महीने आराम से लास्ट कर जाता है, तो अच्छा है जी। और एक किट जो है लगभग 1300-1400 रुपए और कभी 1200 इस तरह का आता है, और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमारा फी इतना लग जाता है। बिल्कुल फी लग जाता है, उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट होता है दुनिया भर की दवाइयां लिख देते हैं, और इस गर्मी में तो सही बात कहे बाहर जाकर के डॉक्टर के पास जाने में भी लगता है आलस, सोचना पड़ता है जाए कि नहीं जाए, मतलब आलस करते हैं हम लोग ज्यादा कि जाएं कि नहीं जाएं, जितना यहाँ पर बिल्कुल घर बैठे बैठे मिल जाता है। तो अच्छा ऐप है जी, तो इसका लिंक हम डाल देंगे यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे तो ऐप सीधे वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना कूपन कोड भी यहाँ पर डाल दिया है, उस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो पहले 100 सब्सक्राइबर को जो है कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप लोग भी चाहते हैं कि घर बैठे बैठे अपने स्किन का केयर करना, अपने हेयर का केयर करना, तो आप लोग जो है इस ऐप को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, हमारा तो बेस्ट ऐप है। तो क्रियांश को देख सकते हैं, सुबह सुबह है हमारे गोद में और कल रात में जो है तबाही मचाया है, पूछिए मत। तो हम अभी चल रहे हैं नीचे और बाकी देख रहे थे गिफ्ट के अनबॉक्सिंग का, जितना भी हमने वीडियो डाला उसमें यह कमेंट बहुत ही कॉमन था कि रेसिपी भी क्यों नहीं आई, हमने उन्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। तो आज जो है आपको इस ब्लॉग में उसका जवाब मिलेगा। फिलहाल चलते हैं नीचे और क्रियांश बोले जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आगे आगे क्रियांश बोल रहा है। हाँ, क्रियांश जो है वह सोया तो सुबह में 5 बजे, फिर जब क्रियांश सोया उसके बाद हम सोए और अभी बज रहे सुबह के 10। कुछ देर पहले हम उठ गए लेकिन क्रियांश तो अपना सवेरे ही उठ करके तैयार था, दूध पिया, दवा खाया, उसके बाद क्रियांश अभी जूस पिए, अभी आए हुए थे पापा को कोर्ट छोड़ने के लिए, पापा को कोर्ट तो ड्रॉप कर दिया, उसके बाद बाइक की भी सर्विसिंग करवानी थी, बाइक में कुछ ना कुछ इशू आ रही है, 10 साल जो पुरानी बाइक है कभी कभी तो मन करता है कि कोई दूसरा स्कूटी या कोई बाइक उठा के ले ले, लेकिन अभी बात क्या है कि ज्यादा दूर जब भी चलना होता है 4-व्हीलर घर से निकल जाता है, जो भी 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का काम होता है उसके लिए अपना बाइक ठीक है, और तो वही लग रहा है कि खरीद लिए उसके बाद ज्यादा यूज नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिन रुकना है नहीं, अभी जब तक क्रियांश बड़ा नहीं है तब तक यहाँ पर है, जैसे ही क्रियांश बड़ा हो जाएगा फिर चले जाएंगे बाहर, तो फिर बाइक वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा, तो इस वजह से जो है बाइक में इन्वेस्टमेंट करने का कोई पर्पस नजर आ नहीं रहा है। तो फिलहाल बाइक तो दे दिया है वहाँ पर, 3-4 घंटा लगेगा आराम से सर्विसिंग में, जाते हैं जाकर के स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, भूख भी लगेगी। अभी हम आ गए छत पे, हमारी दीदी कपड़ा फैला रही है, दीदी यहाँ तो गिर गया, गिर गया है उसको, देखिए नहीं फिर भी गिर गया यहाँ पे देख सकते हैं गिर गया, और दीदी हमारी बात कर रही है फोन पे, अभी सहेली है मेरी, अच्छा सहेली है तो सहेली है ना, लगता है कि लड़का जैसा बात कर रही है। अभी हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम लोग को फिर कहीं निकलना है, तो इस वजह से दीदी आ गई, हमारे कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे, दीदी बोली धो देते हैं तो बहुत हेल्प हो गई हमारी, नहीं तो अगर मैं अभी सारे कपड़े धोने लग जाती मैं कह सकती हूँ सही से खड़े भी नहीं हो पा रही, मैं इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं अचानक से हो सकता है थकान बहुत ज़्यादा हो गई है इस वजह से, तो दीदी ने सारे कपड़े धो दिए हमारे, भी बहुत सारा घर थोड़ा बहुत बिखरा पड़ा है, वो तो मैं खुद भी ठीक कर लूँगी। देख सकते कितने सारे हमारे कपड़े, क्या बोले दीदी, और यहाँ पे है हमारा मिर्ची का अचार जो मम्मी बना के गई है, और क्रियान सभी सोया हुआ है इस वजह से थोड़े बहुत काम भी हो पा रहे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता, और पतिदेव चले गए हैं मार्केट, इनका बाइक हो गया है खराब और भी कुछ कुछ काम थे अब मार्केट में तो चले गए हैं वो, तो हम लोग बैठे हुए हैं और दीदी जो है इधर क्रियान का कपड़ा छाट रही है, फिर हम लोग मिल गए क्रियान के वार्डरोब में, सारा कपड़ा उसका रख देंगे, बहुत सारे गिफ्ट भी हैं और जिसको छाट छाट के रखना है ऐसे तो रूम में यहाँ पे रखा हुआ है सारा कुछ, तो ऐसे तो नहीं रहेगा ना, सबको क्रियांश के रूम में जितना भी खेलने का चीज है, जितना भी डेकोरेशन का चीज है वो सब चीज क्रियांश के रूम में लगा देंगे, और क्रियांश का कपड़ा कौन सा आएगा कौन वो अभी पहनेगा वो सब कुछ जो अभी आएगा उसको पहना देंगे, जो थोड़ा सा बड़ा है उसको साइड हटा के रख देंगे, तो वही सब चीजें चल रही है डिस्कशन। ये तो बहुत बड़ा है,
हाँ, इसको छाट के रख दिया जाए, लेकिन बहुत ही प्यारा है ना, बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, एक ही बार पहन लेगा तो क्या होगा, कुछ कुछ बड़ा होने का भी, कॉटन का एकदम कपड़ा फैब्रिक भी बहुत सुंदर है, जींस भी है इसमें, हाँ बहुत सुंदर, लेकिन जींस कितना प्यारा सा, भूलेगा ना तब मस्त लगेगा ना, और एक दो साल का होगा तब, 2-3 इयर्स का मतलब 2 साल के तक का होगा तब, अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत सारा, हाँ साइज जो बड़ा है उसको एक जगह रख दीजिए, जो छोटा है उसको अलग कर दीजिए। यहाँ पे क्रियांश आराम से सोया हुआ है, क्रियांश का पार्टी वेयर ड्रेस कितना प्यारा है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो आ जाएगा, पैंट आप देखिए ना, देखिए कितना सुंदर है ना, ना? बहुत कलर भी बहुत। मेरा बेटा उठ चुका है भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाइए, क्या किए सारा उठक दिए 2 सेकंड में, राधे राधे, राधे राधे भैया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चले पापा आ रहे हो भैया, चलिए ऊपर, आ गया है ऊपर में, नहीं तो दादी को करता ये परेशान, अब सारा सामान ऊपर से उतारेगा, क्या उठते ही बोलता है पापा, पापा नहीं है, लो देखो 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 क्रियांश, देखो आजा बुआ कितना सारा ड्रेस दे रही है तुमको, देखो कितना प्यारा प्यारा ड्रेस है, बुआ का इतना फोन आता है कि हम पागल हो जाते हैं, ये देखिए फोन क्रॉप टॉप हो जाएगा, बहुत प्यारा ड्रेस है, कब आएगा, आ जाएगा, बहुत प्यारा ड्रेस, पे बैठ के हम लोग सारा कपड़ा छांट रहे हैं और मेरा बेटा जो है सारा कुछ मिक्स कर रहा है, व्याज व्याज बाय बाय, क्या कर रहे हो, फेस वॉश खा रहे हो, तो इसका यही काम है, जितना भी समेटा हुआ सामान रहता है सबको इधर से उधर फेंकता है, तो हम लोग को कहीं पे जाना भी है, हाँ बाबा, क्या बाबा कुछ बोलते हो, उससे पहले मेरा बेटा बोलता, क्या बोलो बोलो, तो हम लोग को कहीं जाना भी है, उसकी भी करनी है पैकिंग, देखिए फिर बोल दिया, तो उससे पहले हमको सारा कपड़ा छांटना होगा, तब करेंगे ना पैकिंग, तुमको भी जाना है, तुम दादी के पास ले जाना, ले लो दादी पास, इसको इसको दे रहा हूँ, इसको मैं कूटूंगी अभी, पीटूंगी मैं, नहीं नहीं क्या, नहीं नहीं क्या, डा क्या डा, पिटी पिटी करूंगी मैं, पिटी करूंगी इसको, नहीं क्या, नहीं 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 नहीं, पापा कहाँ है, पापा पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा पापा नहीं है, पापा जो बड़ा है ना दीदी उसको अलग उधर रख दीजिए, स्कूल जाइए, बाय 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 क्रियांश, क्रियांश बाय बाय तो नहीं कर रहे आप, माथे खा लिया है, सर से इधर आ गया सारा सामान मेरा फेंकने के लिए, दीजिए उसको भी दीजिए, मैं बम कर दी, चलो अब मेरे पास, चलो चलो मेरे पास, बहुत गंदे हो गए हो आप, मुझे छुपा लेगा, बहुत गंदे हो गए हो, बहुत गंदे हो गए हो, बताइए सुगी, प्रियांश ने आज कैप लगाए पापा के तरह, वाओ वाओ पापा की तरह कैप लगाए, रेड रेड बोलो वाओ, लेकिन कैप जो है बहुत छोटा सा है, छिटकू सा है, और क्रियांश का सर बड़ा सा है, और बल्ले बल्ले कर दो सबको, बल्ले बल्ले, और बल्ले बल्ले कर दो, हाय कर दो सबको, हाय क्रियांश, हाय हाय करिए, हाय हाय करिए, हाय अब बात करते हैं जी इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, आप में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, देख रहे थे, लगातार आया जा रहा था कि आखिर नैन्सी दीदी क्यों नहीं आई, हमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया, तो चलिए जी इसके ऊपर जो है खुलकर बात कर ही लेते हैं, ईमानदारी से बात कर लेते हैं जी, नैन्सी दीदी को हमने बुलाया था और नैन्सी दीदी भी कह रही थी आना है, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि नैन्सी दीदी जो नया फ्लैट लेने वाली है उसका हैंडओवर आ गया उनके पास, और उनका जो है गृह प्रवेश भी होने वाला है 29 मई को, तो हम लोग जो उस गृह प्रवेश में हम लोग जाने भी वाले हैं, उसका ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, और नैन्सी दीदी का जो नया फ्लैट रहेगा उसका भी हम लोग होम टूर करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी वहाँ पर फंक्शन होगा वह सब कुछ करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा, इस वजह से वो आ नहीं पाई, और जीजा जी तो यहाँ रहते नहीं है, तो दीदी को ही सारा कुछ देखना था, अगर वो टाइम पे काम नहीं करवाती तो फिर जल्दी से नहीं उनको मिलता, बिल्कुल जी, तो जीजा जी जो है अदर स्टेट में ड्यूटी पर है और सब कुछ दीदी को देखना पड़ रहा था, और जानते हैं जी जब भी मकान का काम होता है तो लग के थोड़ा करवाना पड़ता है, वरना आपका काम जो है जल्दी होता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं है, बिल्कुल जी, और वो आती है लगभग हमारे हर फंक्शन में आती है, तो हम लोगों के फंक्शन में जो है रौनक बढ़ जाती है, और आप लोग भी उस वीडियो को बहुत सराहते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगता है जब हमारी सारी फैमिली इकट्ठा होती है, तो उम्मीद करते हैं सारा जवाब मिल गया होगा, तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले, और हां जी हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना मिले, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।